देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव परिमल राय और चंद्रशेखर गांगुली के अनुयायी में हाथरस मथुरा उत्तर प्रदेश की बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रांजिट कैंप मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए। वहां से पैदल मार्च निकालते हुए कार्यकर्ता गण अपने अपने हाथों में बैनर लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। बैनर पर लिखा है, देश की बेटी मनीषा को न्याय दो, उन हत्यारे दरिंदों को फांसी दो, मोदी जी योगी जी शर्म करो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। आप लोगों ने रैली का प्रकरण निकाला कहां से कहां तक और क्या कारण था? देखिए, निश्चित रूप से रैली हमने इसलिए निकाला, एक हमारा देश का बहन के साथ बड़ा अत्याचार हुआ और ये जो इतना बड़ा घटना हुआ, घटना होने के बावजूद भी यूपी सरकार इस तरीके से गहरा नींद से सो रहा था। आज पूरे देश देख रहा है कि इस देश में एक बेटी के साथ इतनी बड़ी गैंगरेप हुआ, और जबकि भाजपा का सरकार ने ये बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज देश में क्या हो रहा है ये देशवासियों देख रहा है, इस तरीके से देख रहा, मजदूर परेशान, जनता परेशान, रोजी रोटी सब कुछ खत्म हो गया। इस देश के साथ ये सरकार क्या चाहता है और क्या हो रहा है? इस बेटी का अगर इंसाफ नहीं मिला तो इनके परिवार के साथ पूरे देश खड़े हैं और हम लोग इनसे भी बड़ा आंदोलन करके दिखाएंगे। जय हिंद जय भारत। एक बार फिर इस घटना ने देश के हर बेटी के माता पिता को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे ने हर माता पिता को भयभीत कर दिया है। अब हर माता पिता को अपनी बेटी के सुरक्षा को लेकर डर सताता रहेगा। लोगों ने जो रैली निकाली है, क्या कारण था इसका? हाथरस उत्तर प्रदेश की घटना है, मनीषा के साथ जो गैंगरेप हुआ है, उसके बाद उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है, उसके विरोध में जो दरिंदे हैं, हत्यारे हैं, उनको सजा दिलवाने के लिए आज हम लोग कांग्रेस की ओर से सारे लोगों ने यहाँ से हम लोग जुलूस के रूप में रैली निकाली है, और ये संदेश देना चाह रहे थे कि जिस तरीके से लोगों में वैसी दरिंद्रों में भय बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जिस तरीके से क्रूरतापूर्ण उनके साथ ये अंजाम दिया गया है, ये जितनी उनकी निंदा करे कम है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने बहुत बड़ी इस मामले में लापरवाही बरती है, यूपी की पुलिस 14 सितंबर की घटना है और उनको अलीगढ़ में शिफ्ट किया जाता है किसी हॉस्पिटल में और जनरल वार्ड में बिना आईसीयू के, और जब उनकी हालत बिगड़ती है तो मृत्यु से एक दिन पहले सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है और उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। लोगों में बिल्कुल भय खत्म हो गया। निर्भया कांड के बाद ये दूसरा कांड, अत्यंत जघन्य कांड, पूरा देशवासी इससे मतलब स्तब्ध है कि क्या हो रहा है देश में। देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली सरकार आज हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पा रही है। देश की बेटी के माता पिता के साथ आज जैसा बर्ताव किया जा रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि योगी सरकार बस दिखावा करती है, सच्चाई तो कुछ और है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।